नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो पाकिस्तान पॉइंट टेबल में छाई, टीम इंडिया की टेंशन बढ़ाई। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एशिया कप 2023 का महामुकाबला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच कल मुकाबला खेला गया था, जो कि पूरा नहीं हो पाया। टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 266 रन बनाए थे 10 विकेट पर, उसके बाद बारिश आ गई और वो मुकाबला पूरा नहीं हो सका। लेकिन पॉइंट टेबल में पाकिस्तान छा गई है और टीम इंडिया की टेंशन बढ़ा दी है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के 3 अंक हो गए हैं, वही टीम इंडिया का 1 पॉइंट है। और अब टीम इंडिया का जो अगला मुकाबला है वो नेपाल से है, और अगर ये मुकाबला टीम इंडिया हार जाती है तो एशिया कप 2023 से बाहर भी हो जाएगी। तो क्या कहता है पॉइंट टेबल एशिया कप 2023 का, बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए बता दें आपको कि टीम इंडिया कहां पर है पॉइंट टेबल में और पाकिस्तान कैसे सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर गई है। तो बात करें एशिया कप 2023 के पॉइंट टेबल की, तो पाकिस्तान टीम को यहां पर फायदा हुआ है। पाकिस्तान के 3 अंक हो गए हैं और पाकिस्तान की टीम 3 अंकों के साथ सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर गई है। लेकिन टीम इंडिया को नुकसान हुआ है, टीम इंडिया को सिर्फ 1 ही अंक मिला बारिश की वजह से मुकाबला रद्द होने के कारण, और टीम इंडिया का अभी 1 ही पॉइंट है। तो क्या कहता है पॉइंट टेबल, चलिए आपको बताते हैं। तो बात करें अगर ग्रुप ए की, तो पाकिस्तान अभी टॉप पर है। पाकिस्तान ने 2 मुकाबले खेले हैं जिसमें 1 मुकाबला पाकिस्तान ने जीता है और 1 मुकाबला नो रिजल्ट रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के 3 पॉइंट हो गए हैं और पाकिस्तान का जो नेट रन रेट है अभी वो -4.760 हो गया है, क्योंकि ये मुकाबला जो है नो रिजल्ट रहा है। उसके बाद बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने भी 1 मुकाबला खेला है, जीता कोई नहीं है, हारा भी कोई नहीं है, और 1 मुकाबला जो नो रिजल्ट रहा है। उसके बाद अगर बात करें नेट रन रेट की, तो कोई नेट रन रेट नहीं है, सिर्फ 1 ही पॉइंट है टीम इंडिया के पास। वहीं बात करें नेपाल की, तो नेपाल ने भी 1 मुकाबला खेला है, वो मुकाबला हारी है, जीती कोई मुकाबला नहीं है, और जो नेट रन रेट है वो -4.760 है और कोई भी पॉइंट नहीं है नेपाल के पास। वहीं बात करें ग्रुप बी की, तो ग्रुप बी में टॉप पर श्रीलंका पहुंची है। श्रीलंका ने 1 मुकाबला खेला है, वो जीती है, कोई हारी मुकाबला नहीं है, कोई नो रिजल्ट नहीं है। 2 पॉइंट के साथ जो नेट रन रेट है श्रीलंका का वो प्लस में है, +0.951। वहीं बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान ने अभी कोई मुकाबला खेला नहीं है, लेकिन आज अफगानिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से है। वहीं बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश ने 1 मुकाबला खेला है, वो भी मुकाबला हारी है, कोई पॉइंट नहीं है अभी बांग्लादेश के पास। और बात करें नेट रन रेट की बांग्लादेश की, तो नेट रन रेट बांग्लादेश का माइनस में है, -0.95। एशिया कप 2023 के सुपर 4 के लिए पाकिस्तान टीम क्वालिफाई कर गई है। कल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला गया था, जो कि बारिश की वजह से पूरा नहीं हो पाया। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। टीम इंडिया ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग की थी, 266 रन बनाए थे 10 विकेट के नुकसान पर, जिसके बाद बारिश आ गई और मुकाबला पूरा नहीं हो सका, और मुकाबला जो है वो नो रिजल्ट रहा, रद्द हो गया, जिसके बाद दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिला। पाकिस्तान 3 पॉइंट के साथ जो है वो सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर गया है। लेकिन भारत का यहां पर नुकसान हुआ है 1 पॉइंट का, क्योंकि टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत सकती थी, अगर जीत जाती तो 2 पॉइंट के साथ रहती, और जो टीम इंडिया का नेपाल के साथ मुकाबला खेला जाना है कल, वो जीत के टीम इंडिया टॉप पर पहुंच जाती और 4 अंकों के साथ क्वालिफाई करती सुपर 4 के लिए। लेकिन अब टीम इंडिया नेपाल को हराकर सिर्फ 3 पॉइंट के साथ ही क्वालिफाई करेगी। तो आपको क्या लगता है कि एशिया कप 2023 का खिताब कौन जीतेगा, हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।